इंदौर में नगर निगम की बैठक चर्चा की जगह कॉमेडी शो बन गई। दरअसल बैठक के दौरान पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। इस दौरान सदन में जोरदार ठहाके लगे, पूरा सदन हंस हंस के लोटपोट हो गया। जिस तरह से रुबीना खान ने मामले को उठाया उससे पूरा सदन ठहाके लगाए बिना रह नहीं पाया। निगम की बैठक में कॉमेडी शो, खुद तो पर सदन में लगे ठहाके। तो हम चाहते हैं कि शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं। सम्मान की बात, आदरणीय श्वान। मुद्दों से दूर, कुत्तों पर ठहाके भरपूर। उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सदन में शहर और जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कुत्तों के काटने का मुद्दा आया तो सदन में हंसी ठहाकों का समा बंध गया। दरअसल कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। रुबीना खान ने कहा कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए नसबंदी करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो। लेकिन इस दौरान कुत्ता कहना पार्षद रुबीना खान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसी पार्षद ने कहा कि कुत्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसके बाद रुबीना खान का आदरणीय श्वान कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया। रुबीना खान ने आदरणीय श्वान, श्वान जी कहकर कुत्तों को संबोधित किया और इसके बाद महापौर, पार्षद सभी लोग हंसने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। सीधे शब्दों में कहें तो सदन की एक बैठक कॉमेडी शो बनकर रह गई। नगर निगम की इस बैठक में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय तो कुत्तों के सम्मान पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि कुत्तों के काटने का मामला शहर में आए दिन हो रहा है, हर दिन लोग परेशान हैं, ऐसे में इस पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। पार्षद रुबीना खान ने कहा कि शहर के बाहर कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं, उसके अंदर जितने भी पशु प्रेमी भी हैं, हमारे मुद्रा शास्त्री जैसे लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा दान दें, और अगर कोई नई बनवा सकते हो तो पीपीपी के आधार पे बना दें, और उसमें सब लोग जो रोटी वोटी बचती है, खाना बचता है, वहाँ उन लोगों के लिए दे दें, तो वो भी बेचारे अच्छे से रहेंगे, और उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हंसी मजाक हो, लेकिन डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में भी लेना जरूरी है। पिछले कई महीनों से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, जी। और आगे देखिए खबरें तेज रफ्तार में।